प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई रीवा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शिकायत की थी, जिसका निराकरण नहीं हो पाया। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए निजी स्कूल संचालकों के द्वारा धरना किया जा रहा है। संचालकों की मांग है कि आरटीआई के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2021 और 2021 से 2022 तक का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए। पोर्टल बंद होने की वजह से अनेक संस्थाएं प्रपोजल लॉक करने से वंचित हो चुकी हैं, जिसके चलते पोर्टल पुनः चालू किया जाए। शाला में अध्ययनरत शाला त्यागी बच्चों की शुल्क का भुगतान अनेक संस्थाओं को अभी तक नहीं किया गया है, जिसका भुगतान सहित अन्य कई समस्याएं हैं, जिनके निराकरण के लिए संगठन ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। बताया जाता है कि संगठन की 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है। आइए सुनाते हैं संगठन के लोगों ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। घोषणा की है, सत्र प्रारंभ हुआ है आपके अप्रैल में, तो सत्र घोषित होने के 5 महीने बाद बोर्ड करना यह उचित नहीं है। और ये भी कहा है कि आप बच्चों से फीस नहीं लेंगे, फीस संस्था देगी, यह न्याय संगत नहीं है। बच्चे फीस दें कि या सरकार दें, हम मांग करते हैं शासन से कि इस वर्ष बोर्ड ना किया जाए, बीच सत्र में अगले सत्र से हम भी बोर्ड का स्वागत करेंगे। धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं आप? आज की हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है कि वर्ष 2021 और 21-22 का आरटी का भुगतान जो रुका हुआ है उसे शीघ्र किया जाए। बहुत से छात्र ऐसे हैं, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनका 2011-12 से लेकर के 19-20 तक का भुगतान नहीं हुआ है, उसका भुगतान भी शीघ्र किया जाए। आरटी के अंतर्गत अध्ययनरत बहुत सारे छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं, वो शाला त्यागी की परिधि में आते हैं, उनके भुगतान की शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। एक वर्ष केवल भुगतान की व्यवस्था किया था, तो उस भुगतान को चालू किया जाए और समस्त शाला त्यागी बच्चों का भुगतान शीघ्र किया जाए। 19-20 में आरटी के अंतर्गत जो भुगतान हुआ था, तकनीकी कारणों से कुछ संस्थाओं को कम किया गया था, 3 साल बीत चुका है, आज तक वह भुगतान नहीं हुआ है, उस अंतर्राज्य का भुगतान शीघ्र किया जाए। अगली मांग है कि आरटी के अंतर्गत जो छात्र पढ़ते हैं उनका सत्यापन वर्ष के अंत तक करवा लिया जाए, सत्र समाप्ति के पहले, क्योंकि सत्र समाप्ति के बाद बहुत सारे बच्चे शाला छोड़कर चले जाते हैं और जो अन्य स्कूलों में चले जाते हैं तो उन स्कूलों में मैप हो जाते हैं। हम लोगों ने कई बार आवेदन किया कि उन बच्चों को हटाया जाए, लेकिन हटाया नहीं गया। ऐसे बच्चों को शासकीय शालाओं से या अन्य जगह जहाँ मैप हो उनसे हटाया जाए, उनकी फीस प्रतिपूर्ति कराई जाए। इसके पहले कलेक्टर से मुलाकात की आपने? नहीं, हमने डीपीसी को ज्ञापन दिया है राज्य शिक्षा केंद्र के नाम से और उनको अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग प्रदेश स्तरीय धरना करेंगे। अब आप धरना कर रहे हैं, मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, तो क्या करेंगे? अभी तो मांग बताना है सर। जी नहीं, अगर मांगे पूरी ना होगी तो फिर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। हर शहर में हमारा संगठन है, मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले में, शहर की सड़कों को जाम कर देंगे। कितने स्कूल होंगे कम से कम? रीवा जिले में 1375 स्कूल हैं, शासकीय स्कूल हैं। जी, क्या नाम है आपका? आर के शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रीवा मध्य प्रदेश। अभी और मांगे